दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जिम्मेदार होगा, हम प्रशासन को भी कह रहे हैं। मामला ये है जी, परसों रात को हमारा कोई बच्चा हिसारिया बाजार में किसी पुरानी दुकान में पेशाब कर रहा था। सामने से बनियों की दुकान, उन्होंने उसकी पिटाई कर दिया कि उसकी चोट लगी काफी। सुबह उन लड़कों ने जाके उस दुकान पे हल्ला किया, पता नहीं वीडियो सरकार से हमें प्रशासन ने हमारे पर्चा दर्ज कर दिया। हमने उन लड़कों को SHO के सामने पेश कर दिया। SHO सामने आज गोकुल सेतिया के कहने पे गोकुल सेतिया चौक में बैठा था। राजनीतिक दबाव के कारण उन बच्चों का जुलूस निकाला गया। हालांकि किसी भी कानून में ये नहीं है कि इन बच्चों का जुलूस निकाला जाए। हम SHO साहब के खिलाफ भी, SP साहब के खिलाफ भी, और इन बनियों के खिलाफ भी, और गोकुल सेतिया के खिलाफ भी। सेतिया जी को हम वार्निंग देते हैं, अगर रानिया गेट पे किसी भी टाइम वो टप गए तो खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। हम प्रशासन को भी कह रहे हैं, और कल तक उन बनियों पे पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो कल सिरसा बंद है, गुजर के चेतावनी है। अगर आज रात तक उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो कल सिरसा बंद है। इनके जो बच्चे थे, परसों रात को जो 2-3 बच्चों को इनके चोट लगी है, इनका उस बात पे रोष था कि मतलब हमारे बच्चों के खिलाफ तो जल्दी एक्शन हो गया, लेकिन उनके बच्चों में जो चोट लगी उसका एक्शन अभी तक नहीं हुआ, इनका ये कहना था। तो उसमें देखते हैं नियमानुसार जो भी इन्होंने उस टाइम दाखिल हुए, उस टाइम तो कोई रुका आया नहीं था पुलिस के पास परसों रात को हॉस्पिटल में, ना इन्होंने ऐसी कोई बात रखी, आज रखी है। इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई इनकी बनेगी वो भी इनकी भी की जाएगी। निशानदेही और का वो कोई बात नहीं थी उनकी, वो तो सारी बातें वो संतुष्ट थे इस चीज़ से, उनको समझा दिया गया था कि तो जो पुलिस का प्रोसेस है वो उसी हिसाब से हमारा वक्त करना होता है। कोई भी आरोपी है उसने जो घटना करी है उस घटना पे मतलब ये कह रहे थे जी हमारे उस मैटर में नहीं गए, उसमें नहीं गए, वो मतलब इनको गलत फहमी थी। वो तो सिर्फ इस बात से संतुष्ट है कि हमारी भी कार्रवाई, जो बच्चों की चोट लगी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पता नहीं था, बता दिया गया वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो जो भी कोई आरोपी होता है उसको उस घटना का निशानदेही बोलते हैं उसको, उससे इंसाफ कर दो भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे मैंने उस टाइम करी थी, जब वो पुलिस के अरेस्ट करती है।